हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड टुडेज वीडियो वी विल डिस्कस आईटीबीपी ड्राइवर न्यू वैकेंसी, जो कि आपका क्या बोलते हैं अपना नोटिस जो वायरल हो रहा था वो रियल निकले। ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो देखते रहना, वैकेंसी आ चुकी है, मैं आपको सब दिखाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले और सबसे स्ट्रिक्ट जानकारी विद प्रूफ और कब से अप्लाई है, आप पूरा वीडियो देखो। मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूँ, आप सबके लिए खुशखबरी है, नहीं आपकी जो है आईटीबीपी ड्राइवर की भर्ती आ चुकी है। ठीक है, वीडियो को स्किप मत करना, पूरा मैं आपको एग्जैक्टली दिखाऊंगा। ठीक है, कि कैसे कैसे क्या है प्रोसेस और कब कब ये लाइव हो रहा है। ठीक है, तो आपको मैं सबसे पहले ये बता देता हूँ, आपको मैंने पहले बताया वो कि मेरे चैनल पे आपको कोई भी फर्जी जानकारी नहीं मिलती है औरों की तरह। सीधी सी बात है, मैं कोई फर्जी जानकारी लेके नहीं आता हूँ। आप सबसे पहले आईटीबीपी की साइट पर जाओगे ना, तो यहाँ पर आपको कहीं भी नहीं दिखेगा, कहीं भी नहीं दिखेगा करंटली देयर आर नो न्यूज डिस्प्ले। ठीक है, रिजल्ट ऑफ फोर्स एलोकेशन CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम 2023 का। ठीक है, बाकी और आपको कहीं भी यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, तभी तो अभी तक कोई वीडियो किसी ने डाला नहीं हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर भी कर देना जितना हो सकता है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मेरे और बाकी वीडियोज भी देखने के लिए आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हो। और आईटीबीपी ड्राइवर से रिलेटेड, आई एम अ क्वालिफाइड कैंडिडेट ऑफ 2018 जो वैकेंसी निकली थी उसका, जो मैं ड्राइवर का एग्जाम क्लियर किया था। तो अब आपको सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि वैकेंसी आ गई है। ठीक है, कोई इधर उधर की मैं आपको बताइए कि मैं बातें नहीं मारता, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको सबको पता है। तो यहाँ पे आप जाते हो, ठीक है, लॉग इन फॉर ओल्ड रिक्वायरमेंट, इसका जरूरत नहीं है, न्यू रजिस्ट्रेशन, लॉग इन पे गए। ठीक है, लॉग इन पे गए आप, अभी तक किसी को भी पता नहीं है इसके बारे में, और अगर पता होगा तो आई डोंट नो, मुझे किसी से वो नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, हम यहाँ पे अपना लॉग इन कर लेते हैं। ठीक है, लॉग इन पे करता हूँ मैं, ओके। यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे उठाता नहीं है, कैप्चा उठाता नहीं है कई बारी, जस्ट वेट अ फोर, जस्ट वेट वेट, मैं आपको दिखा देता हूँ। सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, ठीक है, कि नई वैकेंसी जो है आ चुकी है, अब यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये आपको यहाँ भी नहीं दिखेगा कि कहीं भी है। ठीक है, आपने जस्ट सिंपली यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो सबसे पहले एडवर्टीजमेंट नोटिस, ठीक है, पब्लिश डेट 8/10/2024, ठीक है, क्लोज डेट जो है आपकी 6/11/2024 को, जो आपके फॉर्म जो है नवंबर को 6 तक लास्ट डेट होगी, उससे पहले पहले आप लाइसेंस अपना बनवा लेना। ठीक है, जो भी हैवी वाले ड्राइवर वाले होंगे, ठीक है, कॉन्स्टेबल जो है आपके डेजिग्नेशन होगी ड्राइवर जर्नल। ठीक है, इवेंट, अब यहाँ पे मेन चेक आप यहाँ पे करिए। ठीक है, यहाँ चेक करिए, ये जो है लाइव इन 13 घंटे बच रहे हैं इसको, 4 मिनट 43 सेकेंड जो भी है। ठीक है, आपके 13 घंटे में जो ये पेपर जो है आपका, मतलब आज शाम तक शायद ये जो पेपर है आपका, जो आपकी फॉर्म भरने जो है शुरू हो जाएंगे। ठीक है, लाइव आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, और बाकी की आपकी देख सकते हो यहाँ पे, किचन सर्विसेज बाकी सारी एक्सपायर हो गई है, क्योंकि इनकी जो है टाइम निकल गया है। ठीक है, बाकी सारी एक्सपायर है। अभी जो नई वैकेंसी इनकी लाइव होने जा रही है वो है ड्राइवर की, ये है 0 डेज, मतलब कि 13 घंटे बच रहे हैं इसको, अभी 13 घंटे में इन्होंने डाल दिया, वो 13 घंटे में आपके फॉर्म जो है अप्लाई होने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा, आप नॉर्मली जो है अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए जो भी नई वैकेंसी के लिए देख रहे थे। ठीक है, आईटीबीपी ड्राइवर की, तो फाइनली जो है आ ही चुकी है। अब एडवर्टीजमेंट नोटिस इसका देख लेते हैं क्या है, यहाँ पे मैं क्लिक करके एडवर्टीजमेंट नोटिस को देख लेते हैं, एक सेकेंड मैं आपको दिखा देता हूँ कि है क्या। हाँ, ये है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स, ठीक है, जो भी है रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कॉन्स्टेबल ड्राइवर 2024। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड विल बी ओपनड 8 तारीख को। ठीक है, आज शायद 12 बजे शुरू होंगे इसके फॉर्म डालने। ठीक है, आज रात के 12 बजे, ठीक है, 8 तारीख को। ठीक है, एट, हाँ ये लिखा हुआ है, 12:01 पे। ठीक है, विल बी क्लोज ऑन 6 नवंबर, ठीक है, 6 नवंबर को जो है रात को 12 बजे क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे वैकेंसी की बात कर लेते हैं, बहुत बड़ी वैकेंसी है, 545 वैकेंसी है, जनरल की 209 है, SC की 77, ST की 40, OBC की 164, EWS की 55, टोटल 545 वैकेंसी है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है दैट वैकेंसीज आर टेंटेटिव, मे बी इंक्रीज और डिक्रीज, ये कम और बढ़ा कभी भी सकते हैं, इसका वो नहीं है। ठीक है, तो जो था आपको मैंने दिखा दिया, और देखते हैं इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। ठीक है, आपकी एलिजिबिलिटी जो है 21 से 27 साल होनी चाहिए जनरल की, ठीक है, और 10th क्लास का आपके पास, 10th पास होनी चाहिए, मस्ट पोजेस वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा हुआ। ठीक है, अब कट ऑफ डेट इज रिलैक्सेशन, ये जो है आपकी काउंट करेंगे क्रूशियल डेट से। ठीक है, अर्लियर देन 7, ये जो भी है मतलब आपका जो क्रूशियल डेट से ये जो है आपकी डेट वो करेंगे, काउंट करेंगे। ठीक है, आगे और बता देता हूँ मैं आपको इसमें क्या है, कैंडिडेट मस्ट हैव पोजेस ए वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर फ्रॉम ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई विद नॉन हैवी
क्या लिखा हुआ है एक मिनट में बता देता हूँ। कैंडिडेट हु अप्लाई विद नॉन हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर एप्लीकेशन। ठीक है, जिसके पास हैवी लाइसेंस नहीं होगा वो नहीं भर पाएंगे। मस्ट बी रिजेक्टेड एट द टाइम ऑफ सिक्योरिटी, जो भी होती है सिक्योरिटी नहीं होती है ना आपकी उस टाइम पे एप्लीकेशन की, उस टाइम पे आपको रिजेक्ट कर देंगे। नो कम्युनिकेशन विल बी एंटरटेन इन दिस रिगार्ड, मतलब कोई कोई भी सुनवाई नहीं होगी इसके रिगार्डिंग अगर आपके पास लाइसेंस जो हैवी नहीं होगा तो। ठीक है, एज की बात कर लेते हैं। एससी को 5 साल की छूट है, ठीक है, ओबीसी को 3 साल की छूट है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं और क्या क्या दे रखा है इसमें। बाकी ऐसा कुछ खास होता नहीं है, आपको पता ही है वही है सेम ही। और मैं आपको बता देता हूँ इसमें नया कुछ आया हुआ एडिट, तो मैं बता देता हूँ आपको। हाइट वेट वो सब वही इतना ही है। ठीक है, अब रनिंग का देख लेते हैं। रनिंग रनिंग भी उतना ही होगा, रनिंग भी इनका 7.5 मिनट में होता है। पैसों की बात बता देता हूँ कि आपके 100 रुपये फीस लगेगी। ठीक है, जनरल वालों की, जनरल हैव टू, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को जो है 100 रुपये की फीस लगेगी, बाकी एससी एसटी को कोई फीस नहीं है। ठीक है, अगला देख लेते हैं कुछ और है तो। हाँ, रेस का आ गया हमारा, ये वही है सेम ही है आपका। ठीक है, 1600 मीटर 750 मिनट में, और 11 फुट जो है आपका जंप होगा, लॉन्ग जंप, और 3.5 फुट जो है हाई जंप होगा, वही है सेम ही है, बाकी कुछ चेंजेस नहीं है। ठीक है, रिटन टेस्ट भी आपका आपको दिखा देता हूँ। रिटन टेस्ट भी वही है सेम ही आपका जो पहले होता था। ठीक है, 10 नंबर का आपका जनरल नॉलेज, 10-20 नंबर की आपकी हिंदी और इंग्लिश आएगा, मैथमेटिक 10 का, और ट्रेड रिलेटेड जो भी है मोटर ट्रांसपोर्ट रिलेटेड, ठीक है, वही है सेम ही। ठीक है, तो यही था, बाकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जो भी है आपके पास हैवी लाइसेंस होना चाहिए। हैवी लाइसेंस जो है आपका क्रूशियल डेट से बना पहले वो होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको बेशक आपको दिखा दूं अगर इन्होंने यहाँ पे कहीं लिखा होगा तो, लेकिन जो है आपका लाइसेंस जो है। और एक और बात बता देता हूँ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। एनसीएल जो भी होता है जिसका वो भी एप्लीकेशन 6 तारीख से पहले पहले बना होना चाहिए। अगर आप जो भी है फॉर्म आप जो है आप 6 अक्टूबर से पहले 6 नवंबर से पहले पहले बनवा लेना। ठीक है, हम खत्म बात मैं आपको बता देता हूँ, सीधी सी बात है। ठीक है, बाकी आपका ये है वो आपको बाकी तो सब पता ही है, टोटल नंबर वो स्किल टेस्ट के 50 नंबर है। ठीक है, क्वालिफाइंग नेचर होता है वो। ठीक है, तो यही था आपकी इस वीडियो में आपको मैंने बता दिया। ठीक है, तो बहुत बहुत आपको मुबारकें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, सारी मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी। अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन की अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को कमेंट्स में जरूर बता देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।